हेलो एवरीवन। सो गाइस, दिवाली आते ही सभी के घर में साफ सफाई शुरू हो जाती है ना, तो फिर मैं क्यों पीछे रह जाऊँ। तो मैंने भी अपने किचन की आज साफ सफाई करने का मूड बना ही लिया। तो फिर देखिए, मैंने सारा सामान अपने किचन का इधर से उधर कर ही डाला, क्योंकि अपने किचन को मुझे चमकाना जो था है ना। तो यहाँ की जो सेल्फ है, यहाँ कि मैंने सेल्फ को अच्छे से पूरा साफ करके डिब्बों को अच्छे से चमका दिया है। साथ ही मैंने इस पर सभी पर लिख भी दिया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मेरे हस्बैंड किचन में आते हैं, वो कुछ बनाते हैं खाने पीने का, तो फिर वो उनको फिर मुझसे पूछना पड़ता है। तो फिर मैंने सारा लिख दिया, लो अब खुद ही बनाओ। तो मेरी किचन जो है यार बहुत ही मैसी पड़ी हुई है, तो आज मैं अपनी किचन के ना बिल्कुल चमकाने वाली हूँ। तो गाइस, मैंने सोचा चलो पहले कुछ खा लेते हैं, क्योंकि अगर खाली पेट रहेगा तो फिर काम में भी मन नहीं लगेगा ना। तो अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, और आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ आलू का पराठा। तो मैंने सारी तैयारी करके रखी हुई है, यहाँ पर मैंने चाय को बनने के लिए रख दिया है, और आलू का पराठा भी फटाफट से बनाते हैं और खाते हैं। उसके बाद हम लगते हैं सफाई में, क्योंकि किचन में ना सफाई करते करते बहुत टाइम हो जाता है, क्योंकि एक एक डब्बा हमें साफ़ करना होता है, सारा सामान देखना होता है, क्या खराब हो रहा है, क्या धूप लगाने को है, सारा सामान देखना होता है ना, तो बहुत टाइम लग जाता है। पर कोई नहीं, करना तो है ही है ना। तो बस पहले खा पी लेते हैं, उसके बाद सफाई में लगते हैं। और यार मुझे डस्टिंग से इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि मैं छींक छींक के पाक हो रही हूँ। तो फिर मैंने जब रूम की सफाई की थी, तो फिर मैंने अपने फेस पर पूरा अच्छे से फेस कवर किया, तो उसके बाद मैंने सफाई की। किचन में क्या है ना कि इतना फिर नहीं हो पाता है ना कि फेस कवर करो फिर सफाई करो, तो फिर नहीं बन पाता है। तो फिर मैं किचन की सफाई तो ऐसे ही करने वाली हूँ। तो चलो ब्रेकफास्ट बना लेते हैं और खा लेते हैं, उसके बाद हम सफाई शुरू करते हैं। हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था, तो और मैंने किचन के सारे डिब्बे हैं, जितने भी हमारे डिब्बे हैं, सभी डिब्बों को मैंने अच्छे से साफ़ करके, और जो भी इसका सामान था, जो भी थोड़ा सा ख़राब भी हो रहा था उसको मैंने हटा दिया, और साथ ही जो भी हमारा सामान था धूप लगाने वाला, तो वो मैंने धूप में रख दिया। बरसात के बाद क्या होता है ना, हमारे किचन में जो भी सामान होता है उसमें हमें धूप लगाना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे मैं इतना मंगवाती ही नहीं हूँ ग्रॉसरी, जो हमें लंबे टाइम तक जिसको मैं स्टोर कर सकूँ, या फिर हमें उसकी देखभाल करनी पड़े, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास, इतनी बड़ी फैमिली भी नहीं है, हमारी छोटी सी फैमिली है। तो मैं उतना ही सामान मंगाती हूँ जितना मेरा यूज़ हो जाए, और फिर मैं ऐसी जगह रहती हूँ जो जहाँ पर हर सामान कभी भी मिल जाता है, तो दिक्कत नहीं होती। तो मैं उतना ही सामान मंगाती जिसकी मुझे ज़्यादा झंझट ना करना पड़े कि मुझे स्टोर करना पड़े फिर धूप लगानी पड़े, तो ऐसा मैं नहीं करती। तो उतना ही मैं सामान मंगाती हूँ कि हमारा बस 1-2 महीने चले और फिर से हम नया मंगवा लें उसको। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सब चीज़ अच्छे से धुल दिया है, साफ़ कर दिया है, और सारा सामान मैं अच्छे से रख देती हूँ।
और यहाँ की जो सेल्फ है इसको भी मैं फटाफट से क्लीन करती हूँ, इसके भी डिब्बे मैं अच्छे से साफ करके लगा देती हूँ। किचन की जितनी भी सेल्फ थी सारी साफ़ हो गई हैं, सारे में सामान भी मैंने सभी में लगा दिया है। तो यहाँ पर ये वाली जो अलमारी है इसमें मैं मेरे क्रॉकरी वाला सारा सामान रखा हुआ है, तो इसको भी ना कभी कभी होता है कि जल्दबाजी में हम रहते हैं तो मैं सारा सामान इसी में भरती जाती हूँ, तो और बाद में फिर मैं अच्छे से सेट कर देती हूँ। कभी कभी हो जाता है जैसा वीकली टिफ़िन निकाला तो इधर उधर सारा टिफ़िन हो गया, ग्लास निकाला तो इधर उधर हो गया, हो जाता है यार सभी के साथ ऐसा होता है। तो बस फिर मेरी भी ये वाली अलमारी बहुत ख़राब हो गई, तो ये भी बोल के कहते यार इसको तो साफ़ कर ही लेना, मैंने कहा ठीक है आज इसको साफ़ कर लेंगे। तो आज मैं ना इसी को साफ़ कर रही हूँ, इसको अलमारी के सामान मैं अच्छे से लगा देती हूँ। देखिए ये अलमारी भी बिल्कुल साफ़ हो गई, अच्छे से मैंने लगा दिया है सारा। कांच के बर्तन मैंने एक साइड लगाया, जितने भी हमारे कप हैं वो एक साइड लगाए हैं, और जितने भी हमारे जग और केतली कटोरी ये सब मैंने एक साइड लगाए, स्टील वाले बर्तन मैंने एक साइड लगाए जिससे हमें ढूंढने में दिक्कत ना हो। और जितने भी हमारे जो मशीन हैं जैसे चॉपर वगैरह हैं वो मैंने सब एक साइड लगा दिए हैं कि कभी भी ज़रूरत हो तो फिर ढूंढना ना पड़े और हमें आसानी से वो मिल जाए। आइस क्यूब ट्रे वगैरह सब सी चीज़ मैंने एक साइड रख दी है। इसको इसी तरह से मैं सारा सामान अपना अरेंज करती हूँ कि हमें दिक्कत ना हो, कभी भी हम जल्दबाजी में हो तो अभी हमें सामान हमारा आराम से मिल जाए। इसी तरह से मैं अपना सारा सामान रखती हूँ। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. But even that could change, you could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take
the worst I say and turn them to a game. Take the best I say and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. अब नंबर आ गया है गैस को साफ करने का और टाइल्स को साफ़ करने का। सारा सामान मैंने सेल्फ का हटा दिया है और एक बर्तन में मैंने डाला है विम लिक्विड और यहाँ पर लिया है एक स्क्रबर और उसी से ना मैं ना सारे गैस को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ पूरी और जितनी भी हमारी सेल्फ हैं सभी को मैं अच्छे से इसी से साफ़ कर देती हूँ। बहुत ही साफ़ हो जाती है इससे और बस एक बार हम पानी डाल देते हैं जहाँ पर हमारा स्विच बोर्ड लगा है वहाँ पर नहीं डालती हूँ मैं, वहाँ पर मैं कपड़े से साफ़ कर देती हूँ क्योंकि भाई मुझे बहुत डर लगता है तो मैं उसे वहाँ उस जगह मैं कपड़े से साफ़ कर देती हूँ और जहाँ पर स्विच बोर्ड नहीं है हमारा लाइट वाला तो वहाँ पर तो मैं ऐसे ही पानी डाल देती हूँ और जिससे मेरे टाइल्स जो हैं बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। वैसे मैं वीकली क्लीन करती रहती हूँ तो इतना गंदा नहीं होता है लेकिन वही होता है ना दिवाली आती है तो खुद को लगने लगता है हाँ हमारा घर गंदा हो गया है हमें साफ़ करना चाहिए। भले ही हमारा घर कितना भी साफ़ हो मुझे तो वही लगता है कि हाँ हमें साफ़ करना चाहिए। तो मना कर रहे थे सफाई मत करो यार अपना घर साफ़ तो है, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं तो करूँगी और मैंने अपनी जिद से कर डाली सफ़ाई। तो अभी हम फटाफट से यहाँ अपने टाइल्स के किचन के टाइल्स को भी साफ़ कर लेते हैं और फिर गीले कपड़े से फिर पूरा पोंछ देंगे इसको। साफ़ और यहाँ पर मसालेदानी को भी मैंने धुल दिया था और इसके जितने भी मसाले थे थोड़े थोड़े से वो मैंने हटा दिए हैं क्योंकि अभी इसमें मैं अच्छे साफ़ मसाले भरूँगी क्योंकि अभी घर की दिवाली की पूजा भी होगी। तो सब कुछ मैंने साफ़ कर दिया है और यहाँ पर देखिए मैंने एक एक चीज़ बिल्कुल चमका दी है और यहाँ पर घी का डब्बा रखा हुआ है इसको भी मैं थोड़ा सा इसमें घी है इसको मैं पलट दूँगी और फिर इसको फेंक दूँगी क्योंकि मैं इकट्ठा नहीं करती हूँ इस तरह के डिब्बे कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर किचन के जितने भी मेरे कपड़े हैं सभी को मैंने गर्म पानी में डाल दिया है, जब ये भीग जाएंगे उसके बाद इसको भी मैं धुल के डाल दूँगी और यहाँ पर सेल्फ भी साफ़ हो गई है बिल्कुल। और अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान रह गया है वो भी लगाऊंगी, फ्रिज रहेगी ये साफ़ करने के लिए इसको मैं कल करूँगी, आज नहीं करूँगी क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ तो मैं फ्रिज को कल साफ़ करूँगी। और यहाँ पर भी हमने सारा सामान लगा दिया है, सारा सामान मैंने लिख दिया है जिससे इन प्रॉब्लम ना हो ढूँढने में, तो सारा सामान डिब्बों पर मैंने लिख भी दिया है साथ ही। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग दिवाली की सफाई हमने किचन की किस तरह से की।